तीन आतंकियों को हमारे सेना ने मार गिराया है। केरन सेक्टर में सेना को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। घुसपैठ करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उसी समय जैसे ही सेना को पता चला, क्योंकि सर्च अभियान भी तेजी से चल रहा है, और जैसे ही उनको भनक लगी वैसे ही उन्होंने सीधे निशाना लगाया और घुसपैठियों को मार गिराया। आतंकियों से हथियार भी बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि कुपवाड़ा में अभी भी सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है, और इस बीच बड़ी सफलता सेना को मिली। तीन आतंकी जो घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, उनकी कोशिश को नाकाम करते हुए आतंकियों को ढेर कर दिया गया। और अब बात अगली बड़ी खबर की, जो कि जयपुर से है, जहां पर एसीबी पहली बार अपना स्थापना दिवस मनाएगी, और आज सुबह 11 बजे बिरला सभागार में यह कार्यक्रम आयोजित है। राज्यपाल सहित तमाम अफसर इस बड़े कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। आज एसीबी के लिए खास दिन, क्योंकि एसीबी पहली बार ऐसा होगा कि अपना स्थापना दिवस मनाती हुई नजर आएगी। वक्त रखा गया है सुबह का 11 बजे, यानी 11 बजे बिरला सभागार में एक बड़ा कार्यक्रम है जिसमें राज्यपाल सहित तमाम अफसर भी मौजूद रहने वाले हैं। एसीबी ताबड़तोड़ एक्शन करप्शन के मामले में करती हुई नजर आई है, और आज का स्थापना दिवस है। तो एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी पहली बार स्थापना दिवस मनाएगी। बताया ये भी जा रहा है कि कलराज मिश्र इसकी आज इसमें मौजूद रहेंगे। पहली बार स्थापना दिवस एसीबी की, जिस तरह अगर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो करप्शन के खिलाफ इनका मोर्चा खुला हुआ है। रोज आए दिन एसीबी कहीं ना कहीं उनको बड़ी कामयाबी मिलती हुई दिखाई पड़ती है, और आज पहली बार स्थापना दिवस जो कि भव्य तरीके से मनाया जाएगा। अगर विधानसभा की बात कर लेते हैं, और आपको बताते हैं कि आज सदन में क्या कुछ होने वाला है। जयपुर से बड़ी खबर यही कि विधानसभा की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ आज शुरू होगी। बजट पर एक बार फिर वाद विवाद रहेगा। पर्ची के जरिए विधायक अब अपनी समस्या को उठा सकेंगे। तो विधानसभा की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू होगी, बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं। बजट पर फिर से वाद विवाद होने के आसार नजर आ रहे हैं। विधानसभा की कार्यवाही हो सकता है कि बजट पर जब वाद विवाद किया जाए तो वहां पर भी हंगामा देखने को मिले। पर्ची के जरिए विधायक अपनी समस्याओं को उठा सकेंगे, ये बड़ी बात है। अब देखना होगा कि क्योंकि पिछली बार विधानसभा की कार्यवाही जब हुई थी तो वहां भी हंगामे के आसार चढ़े थे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप प्रश्नकाल का दौर था। अब देखना है कि बजट पर जब चर्चा होगी तो उसमें विधायकों के द्वारा पर्ची के सहारे क्या कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और उसके जवाब में क्या कुछ निकल कर आता है। विपक्ष लगातार कड़े तेवर अपनाते हुए सरकार पर हमलावर है, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, महिला अपराध हो, जिसको लेकर टीकाराम जूली भी सवाल करते हुए नजर आए थे। इसके साथ साथ खनन माफिया का मुद्दा भी उठा था। कई मुद्दों के बीच में बजट को लेकर भी लगातार विपक्ष कह रहा है कि ऐसी कई घोषणाएं हैं जो पुरानी है, जिसको रिपीट करने का काम सरकार ने किया है। और अब प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है। सुबह टोंक में करीब 2 घंटे तेज बारिश हुई, उसके बाद वहां की सड़कें दरिया बन गए, दुकानों घरों में भी पानी घुस गया। बारिश के बाद पुराने टोंक शहर की गलियां, यहां पर पानी का तेज बहाव भी देखने को मिला है। ये बारिश तमाम लोगों के लिए मुसीबत भी बन रही है। शहर के काली पलचन इलाके में दुकानों और घरों में पानी घुस गया, यहां करीब 2-2 फीट पानी भरा हुआ है। तस्वीर आपके सामने, जहां पर ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये शहर का नजारा हो। आपको ऐसा लग रहा हो कि कोई नहर और झरना मानो पूरे शहर में उतर आया हो। लगातार बारिश हो रही है, टोंक की तस्वीर आपके सामने। 2 घंटे की झमाझम बारिश के बाद देखिए किस तरीके से सड़कें हैं वो दरिया बन गई हैं। यहाँ बाइक जो रखे हैं वो पानी में डूब गए हैं, जो सामान है दुकानों घरों से वो सड़क पर बह रहे हैं। वहीं बारिश के चलते धरियावद की कर्मोचनी नदी में पानी की भारी आवक हुई है, जिसके चलते धरियावद प्रतापगढ़ मार्ग का संपर्क टूट गया है। दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग चुकी हैं। धरियावद में कर्मोचनी नदी पर पुलिया निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसके चलते अस्थायी बाईपास बनाया गया है, लेकिन नदी में हुई पानी की आवक के चलते बाईपास पर करीब 1.5 फीट पानी चल रहा है, और ऐसे में यातायात पूरी तरह से प्रभावित है, यूं कहें कि बंद हो चुका है। साथ ही कर्मोचनी नदी में पानी की आवक के बाद पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा, यातायात को डायवर्ट कर पुलिया पर पूरी तरह से यातायात को अब बंद कर दिया गया। इसके साथ ही वहां पर पुलिस के जवान भी तैनात कर दिए गए ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो। तस्वीर आपके सामने, ऐसा लग रहा है कि मानो पूरा झरना यहां पर बहता हुआ नजर आ रहा हो, लेकिन ये धरियावाद की सड़कें हैं जो पूरी तरह से पानी में लबालब हो गई हैं। और इधर एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में पेपर लीक मामले में एसओजी लगातार कार्रवाई कर रही है। एसओजी की कार्रवाई की डर से राजस्थान पुलिस अकादमी राजस्थान जयपुर से 4 ट्रेनी एसआई बिना सूचना के गायब हो गए। इनमें 2 महिलाएं हैं, 2 पुरुष ट्रेनी एसआई हैं। ये रिपोर्ट देखिए।
सो जी का एक्शन। आरपीए में पकड़ा गया फर्जी ट्रेनी एसआई, चार फर्जी ट्रेनी एसआई फरार, अब चढ़े एसओजी की रडार। एसआई पेपर लीक प्रकरण में एसओजी लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में एसओजी की टीम ने शनिवार को राजस्थान पुलिस अकादमी में बड़ी कार्रवाई की और पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में रेड मारी, जहां एसओजी ने एक ट्रेनी एसआई को धर लिया। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण के मामले में एसओजी की कार्रवाई लगातार जारी है। इस मामले में एसओजी ने एक और ट्रेनी एसआई दिनेश कुमार को गिरफ्तार किया है, जो कि बाड़मेर का रहने वाला था और इस वक्त राजस्थान पुलिस अकादमी में ट्रेनिंग कर रहा था। जैसे ही एसओजी रेड की सूचना ट्रेनिंग सेंटर में फैली तो चार ट्रेनी एसआई मौके से फरार हो गए। इनमें से दो महिला और दो पुलिस ट्रेनी एसआई थे। हालांकि एसओजी की टीम ने एक और ट्रेनी एसआई दिनेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया। दिनेश कुमार बाड़मेर के धौरी मन्ना का रहने वाला है, जिसने जगदीश विश्नोई गैंग से लीक पेपर खरीद कर पढ़ने के बाद एग्जाम दिया था। एसआई भर्ती पेपर लीक प्रकरण में एसओजी एक बार फिर से आरपी में पहुंची, लेकिन एसओजी के पहुंचने के भनक ने वहां पे मौजूद ट्रेनिंग कर रहे चार ट्रेनी एसआई को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। जानकारी के मुताबिक ये सभी चारों आरोपी सीकर, जालौर और अन्य जगहों के रहने वाले थे। जब उनको लगा कि लंच के वक्त एसओजी की टीम कार्रवाई के लिए आरपी पहुंची है, तो ये चारों ट्रेनी एसआई वहां से भाग निकले, जिनको नामजद कर एसओजी अब तलाश में जुट गई है। आरपीए में मिले पांच फर्जी ट्रेनी एसआई। पहला गोविंद कुमार, निवासी बदरूना झाप सांचौर, एसआई एग्जाम 331 अंक, इंटरव्यू में 28, मेरिट में 39, सेंटर इसका जयपुर। दूसरा शंकरला धौरी मन्ना बाड़मेर का निवासी, एसआई एग्जाम में 313 अंक, इंटरव्यू में 28, मेरिट 144, सेंटर इसका जयपुर, एसओजी एग्जाम 108 अंक। तीसरा नाम प्रियंका कुमारी, निवासी देवड़ा जालौर, एसआई एग्जाम 321 अंक, इंटरव्यू में 21, मेरिट 132, सेंटर इसका जयपुर, एसओजी एग्जाम 116 अंक।